आप सभी का आज स्वागत है के क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट दीपक छाबड़ा फाजिलका पंजाब से। जो आज का मेन मुद्दा, जैसे कि जीएसटी नोटिस 18-19 के जो 30/4 ड्यू डेट है, उसमें एक खास मुद्दा ये है भी जो इनवॉइस हमारे 2A में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ऑफिसर कह रहे हैं भी ITC आप नहीं ले सकते, बल्कि जो 2A 18-19 में के बाद आया, तो हमारे पास हार्ड कॉपी है इनवॉइस की, बल्कि स्टेट बैंक स्टेटमेंट भी है जो हमने सप्लायर को पेमेंट किया है, तो कैसे हम GST ऑफिसर को सेटिस्फाई करें? हमारे पास सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं भी हम नहीं मानेंगे। प्लीज़ सर आप बताएं। देखिए, पहले तो दीपक जी इस बात को समझिए, ठीक है ना, कि भाई आपका ITC 2A में नहीं आ रहा, तो एक ना आपको भी अपनी वर्किंग करनी है कि अगर मेरा जिस पीरियड का 2A था, जिस पीरियड का पोर्टल पे 2A है, उसमें ITC क्यों नहीं आ रहा। पहला मुद्दा ये है भाई, अगर आपका, देखो पहले हर चीज़ में ना ऑफिसर से लड़ाई मत करो, ठीक है ना, पहले आप अपना घर भी चेक करो कि भाई आपके 2A में ITC क्यों नहीं आ रहा। क्या सप्लायर ने B2C में डाल दिया, ठीक है, क्या सप्लायर डालना भूल गया, क्या सप्लायर ने गलत GSTN पे डाल दिया, तो आप पहले उसकी एक पूरी वर्किंग करो। अब आपको उसकी वर्किंग करने में दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे कि 17-18 में जिन जिन लोगों से मैंने माल परचेज करा था, आज मैं उनसे माल परचेज कर ही नहीं रहा, आज वो मेरे टच में ही नहीं है, तो मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है ना। तो इस वाले केस में करना क्या है कि पहले आपको अपनी वर्किंग करनी है कि भाई मेरे 2A में कौन कौन सा ITC नहीं आ रहा, कौन कौन से परचेज बिल ऐसे हैं जिनका नहीं आ रहा, फिर मुझे उस पर हर किसी का एक रीज़न होता है। भाई बाप के बाकी बिल तो 2A में आ रहे हैं ना सर, आपके 2, 4, 10 बिल 50 बिल नहीं आ रहे, तो उसका रीजन तो होगा ना सर। तो आप पहले वो रीजन मेंशन करें, और अगर वो जो रीजन आपने मेंशन करा है कि भाई मेरा जो बिल है 2A में नहीं आ रहा इन इन बिलों का, आप पहले उन्हें फॉलो करें। और अगर सर्कुलर 183 है, सर्कुलर 193 है, वो सिंपली ये कहता है कि भाई अगर आपका ITC 2A में नहीं आ रहा और इन इन ग्राउंड्स पे है, तो आप सप्लायर से सर्टिफिकेट ले लें। अब यहाँ पर कई सप्लायर ऐसे हैं वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ठीक है ना, कई सप्लायर ऐसे हैं वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो वहाँ पर आप एक जेन्युइन रीजन बताओ। और अगर वो सप्लायर आपकी स्टेट का है, ठीक है ना, आपका अगर वो सप्लायर है वो आप ही की स्टेट का है, तो ऑफिसर चेक भी कर सकता है। कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट दे दे रहे, लेकिन उन्होंने सप्लायर की GSTR1 चेक करी, वहाँ पर उसने सेल ही नहीं डाल रखी B2C की। तो पहली चीज़ ये समझो कि 420 ही मत करो, आपका जो भी फैक्ट है बिल्कुल उस फैक्ट के बेसिस पे चलो। और अगर आपकी सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो आपको ITC मिलेगा। भाई आपको मान लो नोटिस आ गया 18-19 का, भाई इसकी जो ऑर्डर की डेट है 30 अप्रैल को है, ठीक है, मान लो आपके अगेंस्ट में नेगेटिव ऑर्डर आ जाता है, तो आप अपील में चले जाओ, फर्स्ट अपील में ITC मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर वहाँ अपील में भी हार जाते हो, ट्रिब्यूनल में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन पहले आप अपना घर चेक करो कि सारा ITC प्रॉपर है या नहीं है, सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, और गलती भी पता होनी चाहिए। अभी कई लोगों को नोटिस ये भी आ रहे हैं कि टेबल 8A में ITC नहीं आ रहा, 2A में ITC आ रहा है, 8A में नहीं आ रहा। अब आपको ये भी पता करना भाई 8A में क्यों नहीं आ रहा। भाई हो सकता है जो 8A से जिससे चेक कर रहे हो, चाहे 17-18 का केस है, चाहे 18-19 का केस है, सप्लायर ने उस डेट के बाद रिटर्न फाइल करी हो। तो पहले आपको क्या करना है, हर केस में ना कारण पता करना है कि किस वजह से नहीं आ रहा, फिर उस कारण का समाधान लिखना है। आप समझे मेरी बात? बिल्कुल जी। एक बात और बताओ, जो 2A रिलेटेड किसी तरह की कोई कोर्ट ने रिलैक्सेशन दी हो, अभी 2A के कुछ इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आई हो? नहीं देखो, पहले तो मैं हर चीज़ में डिपार्टमेंट से नहीं लड़ाई करता, मैं पहले सारी मैच करता हूँ। और फिर भी अगर वहाँ पर अपनी सपोर्टिंग के लिए हम भारतीय एयरटेल की जजमेंट लगा देते, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई 2A तो क्या एक फैसिलेशन मैटर है, बिल्कुल ठीक है, कि आपको एक फैसिलिटी दे दी, लॉ में तो कहीं है नहीं, लॉ में तो कहीं कंडीशन है नहीं, ठीक है। अगर मैं 17-18, 18-19 की बात करूँ, तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी कि आपके 2A में ही ITC आएगा तभी आप ITC लोगे, ठीक है ना। आज की डेट में जो ITC हम 2B से ले रहे हैं, वो लॉ में लिखा हुआ, ठीक है ना, लेकिन पहले 2A का ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो आपको पहले ये चीज़ समझनी है, रीजंस पता करने। हम लोग रीजंस पे नहीं जा रहे, हम सीधा कह रहे हैं भाई आप 2A के बेसिस पे डिनाई नहीं कर सकते। अरे आपको लड़ना क्यों है, अगर आप रीजन दे दोगे, सर्कुलर 183 दे दोगे, ठीक है ना, तो दिक्कत क्या है, आपको वो अलाउ करेगा।
ठीक है ना, और सारे प्रूफ देने के बाद मेरे को नहीं लगता ठीक है ना कि वो मना करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद तो आपको पता ही, अगर मना करता है तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, वो आप अपने हिसाब से देख लो, समझ लो, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू कपिल सर। तो आप सब लोग भी इस बात को समझो कि आप अपनी पूरी वर्किंग करके रखो तैयार, ठीक है ना। आप ये नहीं है कि भाई आप अभी चल रहा है 23-24, आप वर्किंग ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो सारी डिटेल्स जो भी आप ले सकते हो, जिस जिसका ITC ले रहे हो, सारे प्रॉपर एक डिटेल बना लो, एक ITC की फाइल बना लो कि भैया मैंने ये ITC लिया, इसकी ये डिटेल है। तो ये पूरी सारी जानकारी, क्या क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने हैं, क्या क्या बाकी चीज़ें आपको रखनी है, GST में क्या सावधानियाँ बरतनी है, हमारा अर्जुन कोर्स है, हर संडे टू संडे उसकी क्लास होती है, ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, और फटाफट से उस कोर्स को ज्वाइन कर लो जिसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ तक तो अभी इनकम टैक्स का एक कोर्स है हमारा, इनकम टैक्स के अंदर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना, ठीक है, ROC फाइलिंग, TDS, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।